धन्यवाद बच्चों, मैं पुनः लेकर आया हूँ छाया मत छूना, कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा, इसके पूर्व ही मैं छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया छाया मत छूना का फर्स्ट टॉपिक मैं समझाया था। उसमें मैंने यही कहा था, यह कवि का मानना है कि छाया मत छूना, यहाँ छाया का अर्थ बीते हुए समय या झूठी चाह से लिया गया है। उसमें बतलाया गया था कि मनुष्य को कभी भी बीते हुए कल या झूठी चाह नहीं रखना चाहिए। उसको याद करने से मनुष्य को क्या होता है कि उसके जो वर्तमान समय का दुख होता है वह और बढ़ जाता है, क्योंकि वह यह जान करके कि मैं पूर्व में बहुत ही अच्छे था अथवा मैं बहुत अच्छा होता सोचता है तो वर्तमान उसका दुखपूर्ण हो जाता है, कष्टपूर्ण हो जाता है। बच्चे आज मैं आगे उससे आगे पार्ट टू लेकर के आया हूँ, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया छाया मत छूना। इन्होंने कहता है यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। आनी कवि के अनुसार कहता है कि यश और वैभव यह जिंदगी के लिए कुछ भी अच्छे नहीं माने गए। जितना यश और वैभव की कामना के लिए मनुष्य दौड़ता है या परिश्रम करता है वह उतना ही और क्या होता है कि भ्रमित हो जाता है, अर्थात दिग्भ्रमित हो जाता है। और क्या है कि यह जो अश वैभव और प्रभुता है वह एक केवल शरणबिंब है, किसके तरह, मृग तृष्णा की तरह। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये मृग तृष्णा, मृग तृष्णा विज्ञान शब्द का, विज्ञान का एक शब्द है। इसमें बतलाया गया है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ बालू ही बालू है वहाँ प्यासे मृग को यह प्रतीत होता है कि जब बालू के टीले पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह क्या दिखाई देता है, किसी जलाशय की तरह उसे प्रतीत होता है। और मृग वहाँ दौड़ते हुए जाता है तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, जलाशय यहाँ नहीं बल्कि जलाशय और आगे है कहीं, और वह पुनः दौड़ पाता लगा लेता है और उसे कुछ जल की प्राप्ति नहीं होती। ठीक उसी तरह गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि यश वैभव और प्रभुता की जो झूठी चाह होती है वह कभी भी प्राप्त नहीं होता, वह कभी भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य को क्या है कि झूठी चाह को रखना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं गिरिजा कुमार माथुर, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अर्थात कहते हैं कि जिस प्रकार से अमावस के बाद पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा के बाद पुनः अमावस हो जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी क्या होता है कि यश वैभव और प्रभुता स्वयं उसके कर्म के अनुसार आ जाते हैं और कर्म के अनुसार वे चले जाते हैं। ठीक जिस प्रकार चंद्रमा में एक कृष्णिमा होता है यानी अमावस होता है और एक पूर्णिमा होता है जिसमें पूर्ण चांद होता है, और यह एक गति निश्चित है। उसी तरह मनुष्य को हमेशा अपने कर्म करना चाहिए और वर्तमान का कर्म करना चाहिए, यानी जिस गति से वो कार्य कर रहा है उसी के अनुसार वह कार्य करना चाहिए। आगे कहता है जो यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी गिरिजा कुमार माथुर क्या कहते हैं, मनुष्यों से अपील करते हैं कि आप वास्तविकता को सोचो, जिस मुकाम पर तुम हो उस मुकाम के अनुरूप सोचो और उस मुकाम के अनुसार कार्य करो और कभी भी छाया मत छूना, अर्थात बीते हुए कल या झूठी चाह को मत रखना, क्योंकि उससे क्या होगा, मन होगा दुख दूना, यानी वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें तुम्हें कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा। बच्चों मैं इससे रिलेटिव कुछ प्रश्न दे देता हूँ, उन प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक पर अवश्य बना लें। धन्यवाद।
हाँ तो क्या है बच्चों, ये तीन प्रश्न मैंने दे दिया। पहला है प्रभुता का शरण दिन रात कृष्णा है का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी बच्चों अभी हम पढ़ाए नहीं कि मान सम्मान प्रभुता क्या है, कि एक मृग तृष्णा के समान है, अर्थात इसको पाने के लिए मनुष्य जितना दौड़ता है उतना ही वह भटक जाता है। इसी से रिलेटिव इसका आंसर देना है। दूसरा है कठिन अर्थार्थ को पूजन से कवि का क्या अभिप्राय है। तो बच्चे आप लोग ध्यान दिए होंगे, मैं पढ़ाया हूँ उसमें कठिन अर्थात यानी वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार ही मनुष्य को कार्य करना चाहिए और भविष्य उसके के अनुरूप संवारने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है कवि ने छाया को छूने के लिए मना क्यों किया है। तो बच्चों आप लोग ये जानते हैं कि छाया जो है बीते हुए कल अथवा झूठी चाह से लिया गया है, इसलिए इस कवि के अनुसार छाया शब्द को छूने के लिए जो मना किया गया है यह अपने विचार से लिखें। धन्यवाद।